अब्दुल अजीम साहब, ताहिर साहब, सिराज पटेल साहब, निसार भाई और सभी मान्यवर, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे मौजूद हजरात जो नज़र को मुट्ठी भर आ रहे हैं लेकिन इनकलाब का नारा लेकर उठे हैं, और इनकलाब का नारा ये शेर और मर्दों का नारा है, और शेर और मर्द बहुत थोड़े ही होते हैं, उनकी तादाद बहुत कम होती है। मैं बधाई देता हूँ आप सबको भी, और जो यहाँ पर शाहीन बाग लगाकर जो बहुत मेहनत कर रहे हैं CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ लगातार अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, यहाँ पर शाहीन बाग में जो हजरात भी मेहनत कर रहे हैं, जो उनको साथ दे रहे हैं, मैं वो सबका शुक्रगुजार हूँ, और उन्हें मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ कि हम सब शाहीन बाग को आबाद करने के लिए, RSS BJP को बर्बाद करने के लिए मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये RSS इनके नकली राष्ट्रवाद को ये हमको समझा रहे हैं कि तुम देशभक्ति समझो, इनके नकली राष्ट्रवाद को ये देशभक्ति साबित करना चाहते हैं, और हमारे देशभक्ति को ये आतंकवादी साबित करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये चाल भारत के सेक्युलर समाज समझ चुका है। जो हमने कल देखा है कि दिल्ली में इन्होंने इंडिया कर लिया, पाकिस्तान कर लिया, आतंकवाद कर लिया, मुसलमान कर लिया, सब करने के बावजूद भी इनके दोनों पैरा ऊपर चले गए और मुंडी नीचे चले गई। मैं बधाई देता हूँ दिल्ली की जनता को भी, और मैं आपको बता दूं कि ये RSS को मुखातिब होकर, वक्त ज़्यादा नहीं है, पुलिस के मुझे कॉल्स आ रहे हैं, और मैं RSS के मुखातिब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये RSS हमको देशद्रोही बताती है और खुद को जो है तो देश प्रेमी बताती है। ये जिन सावरकर का नाम लेते हैं, वीर सावरकर, मैं तो वीर नहीं कहता हूँ, ये जिन सावरकर का नाम लेते हैं, और इनका कहना है कि सावरकर को दो बार अंग्रेजों ने उम्र कैद की सजा दी थी। मैंने थोड़ी पढ़ाई करा तो मुझे पता चला कि एक बार 25 साल की सजा हुई थी और दूसरी बार 27 साल की सजा हुई थी। 25 और 27 52 साल की सजा होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ RSS के वर्करों से, ये BJP के कार्यकर्ताओं से, जिनको 52 साल की सजा हुई थी वो बाहर कैसे आ गए? वो बाहर माफी देकर आ गए, अंग्रेजों से कहा कि हमने जो है तो आजादी के लिए थोड़ी सी आवाज उठाई, आप हमको माफ कर दो, इसके बाद फिर कभी आंदोलन में, देश में जो आंदोलन चल रहे आपके खिलाफ, हम कभी फिर आंदोलनकारियों का साथ नहीं देंगे, हम आपके चाटुकारिता करेंगे। इस बिना पर सावरकर को छोड़ दिया गया, और एक तरफ जंगे आजादी के पहले सिपाही बहादुर शाह जफर, जिनको सब जानते हैं, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और उनसे कहा गया, मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि हम अपना इतिहास भी याद रखें, क्योंकि जो कौम इतिहास भूल जाती है वो इतिहास बना नहीं सकती। बहादुर शाह जफर को जब कैद किया गया, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप जो है तो ये जो तहरीक रेशमी रुमाल आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन को रोकने के लिए आप फतवा जारी कीजिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि अय गोरे, मेरे मुल्क में जो तुम आकर बैठे हो, तुमको भगाने के लिए अब आंदोलन कम नहीं बल्कि बढ़ाया जाएगा। उसकी सजा के तौर पे जो है उनके औलाद का सर काट कर बहादुर शाह जफर को दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने फतवा जारी नहीं किया। फिर उनको यहाँ से निकाल कर, दिल्ली से निकाल के म्यांमार जो रंगून जिले में, वहाँ की जेल में उन्हें डाला गया, और उसी जेल में उनकी मौत हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ RSS के कार्यकर्ताओं से और BJP के लीडरों से, वो सावरकर जो माफी मांगकर बाहर आ गया, और वो बहादुर शाह जफर जिसने जेल में दम तोड़ दिया, गद्दार सावरकर है या बहादुर शाह जफर है, ये फैसला तुमको करना है, हम सबको करना है।
और मैं इस मन से मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे भाइयों बुजुर्गों और साथियों, कई दिनों से हम लोग पूरे देश भर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। शाहीन बाग से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश भर में फैला किया गया। इस सरकार ने सोचा था कि यूपी में जिस बर्बरता के साथ उन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, वो जितना दबाने की कोशिश की उतना ज्यादा वो उभर कर सामने आया। साइंस का ये नियम है कि आप जितना दबाओगे वो उतना ऊपर उछल कर आ जाएगा। नहीं ले पाए, लेकिन जो हमारी बाप कमाई थी वो जाने की नौबत हम पर आई, और इसीलिए आज का ये नौजवान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बाप दादाओं ने जो आजादी कमा के रखी है, उसके बाप दादाओं ने जो अंग्रेजों से लड़कर आजादी हासिल की है, उस आजादी को मोदी के हाथों में गिरवी रखने की इजाजत आज का नौजवान नहीं दे सकता। और इसलिए आज सिर्फ मुस्लिम आवाम ही नहीं, हर कौम का गरीब आज रास्ते पर है। मोदी सरकार ये बताना चाहती है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, और कल जब दिल्ली का फैसला आया और जब दिल्ली की शाहीन बाग से हमारा एक मुसलमान भाई हिंदू मेजॉरिटी वोटर्स की बदौलत वहां पर चुनकर आया, शाहीन बाग की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने यह बता दिया है कि आप मुसलमानों को आतंकवादी कहो, देशद्रोही कहो, कुछ भी कहो, आप पर कोई भरोसा करने वाला नहीं। मोदी जी, आप पर भरोसा किया था, आपने जब कहा था कि अच्छे दिन लाऊंगा तो भरोसा किया था, आपने कहा था कि सबको घर दूंगा तो भरोसा किया था, जब आपने कहा था 15 लाख हर किसी के खाते में डालूंगा तो भरोसा किया था, आपने कहा था कि चीन को लाल आग दिखाऊंगा तो भरोसा किया था, आप पर भरोसा लोगों ने किया था, एक बार नहीं दो बार किया था, लेकिन आपको मालूम था कि आप जिन बातों को बोलकर वहां पर सत्ता में आए, वो बातें, वो प्रॉमिसेस, वो वचन, वो आप निभा नहीं सकते। आपको राम का नाम लेने का अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं है। मोदी जी, जो भगवान राम है उनका नाम लेने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि राम का नाम भगवान राम जाने जाते हैं, एक वचनी एक पत्नी, एक वचनी एक पत्नी के नाम से भगवान राम को जाना जाता है। जो एक बार जबान देते थे तो मुकरते नहीं थे, जो उन्होंने कह दिया था तो वो करते थे, लेकिन आप तो सुबह एक बोलते हैं, दोपहर को एक बोलते हैं, रात को एक बोलते हैं। 2010 में कुछ बोले, 14 में कुछ बोले, 19 में कुछ बोले, आप कुछ बोलते हैं, अमित शाह दूसरा कुछ बोलते हैं। तो इसलिए आप जो है भगवान राम का नाम लेना छोड़ दीजिए, आपके मुंह में भगवान राम का नाम शोभा नहीं देता। और एक कहावत भी है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत आपको बिल्कुल लागू पड़ती है मोदी जी, क्योंकि आपके मुंह में राम जरूर है लेकिन नथुराम की छुरी आपके बगल में थी, और इसीलिए आप नथुराम का निषेध नहीं कर सकते। आपको मजबूरी में जब भारत से बाहर जाते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना पड़ता है, महात्मा गांधी का नाम लेना पड़ता है, और आप नथुराम गोडसे को शहीद मानने वाले को टिकट देते हो और चुनकर लाते हो, नथुराम गोडसे जिंदाबाद बोलने वाले को अपनी पार्टी में जगह देते हो, नाराजगी जताते हो लेकिन उसको पार्टी से नहीं निकालते। इसका मतलब साफ है कि आप नथुराम गोडसे की राजनीति को आगे चलाना चाहते हो। आज आप पानी नहीं दे सकते,
शिक्षा नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, सबको घर नहीं दे सकते, 15 लाख रुपए आप नहीं दे सकते, इसलिए आपने CAA, NRC और NPR का दाव खेला है। लेकिन झूठ एक बार बोल सकते हो, दो बार बोल सकते हो, बार बार झूठ बोलने से काम नहीं होता। एक कहानी हम सब लोगों ने सुनी है बचपन में कि वो सियार आने वाला है ना, इसलिए वो जो बकरियां संभालने वाला होता है बोलता सियार आया, सियार आया, और पूरे गांव वाले दौड़ कर आते हैं कि भाई सियार आया होगा, सब मेंढिया जो बकरियां है तो खा जाएगा। तो लोगों को हंसता है कि मैंने कैसे आपको मूर्ख बनाया। एक बार वैसा ही करता है, दो बार वैसे ही करता है, और जब तीसरी बार सही में सियार आता है तब कोई दौड़ता नहीं और सियार पूरे वो बकरियां जो है तो खा जाता है। मोदी जी वैसा कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि लोग अभी बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। कल की जो दिल्ली का रिजल्ट आया है, दिल्ली के रिजल्ट ने ये बता दिया है कि हिंदू को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, CAA और NRC नहीं चाहिए, ये बता दिया। और इसलिए हमको ये करना है कि आज जिस तरीके से हम शांति से हम गिरफ्तारी देंगे, आज की गिरफ्तारी ये हमारी पहली गिरफ्तारी नहीं है। अभी साहब हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी गिरफ्तारियां दी है, हमने इस देश पर जिसने भी हमला किया उनके खिलाफ हम लड़े हैं। हम 1947 से पहले हमने इसी तरंगे को थाम कर हमारे बाप दादाओं ने गिरफ्तारियां दी है। तब मोदी के जो दादा परदादा थे, जो RSS वाले हैं, वो कहां थे ये पूछने का आज दिन है। आज भले ही वो इन पुलिस वालों को सामने करके हमें गिरफ्तार करें, लेकिन इनकी भी आजादी आज खतरे में है। इनके भी बच्चों को आज रोजगार, शिक्षा, पानी नहीं मिल रहा, और इसलिए आज की ये लड़ाई जो इस देश के मुसलमान आवाम ने जो लड़ाई को छेड़ा है और जिस तिरंगे को थामा है, तारीख गवाह है कि आने वाले दिनों में आपका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। और आजादी की लड़ाई ऐसी होती है, जो चुनिंदा लोग होते हैं वो आगे। लोक विकास परिषद की जानिब से आज यहाँ पर जो NRC और CAA, NPR के विरुद्ध में जो आंदोलन जेल भरो का रखा गया है, यहाँ पर मौजूद हमारे लोक विकास परिषद के अध्यक्ष, हमारे पिताजी के सहकारी, ऐसे हमारे वाहिद साहब, एडवोकेट फील्ड का जो सभी जो न्याय अन्याय जो हमारे लोगों पे होता है और बिना किसी मफाद के जो हर हक की लड़ाई में हमारा साथ देते हैं, ऐसे हमारे एडवोकेट अभी टकसाल साहब, अजीम साहब, सभी का नाम तो नहीं जानता हूँ, माफी चाहूँगा, और हमारे बुजुर्गों, नौजवानों और सभी का सबसे पहले मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। CAA का तो कानून जैसे आप सभी जानते हैं वो लागू हुआ है। हमारी जो लड़ाई चल रही है कि ये CAA का कानून रद्द किया जाए और NRC NPR लागू नहीं होना चाहिए, ये जो हमारी हक की लड़ाई है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा अंजाम हमें मिल रहा है। सर आप देखिए, जो आज हमारे सारे लोग एक जगह एकजुट आके जो सेकुलरिज्म की मिसाल दे रहे हैं, वो आज आपने कल ही देखा होगा दिल्ली में, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गई कि जिस दिल्ली में 200 खासदार, 11 स्टेट के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सके, वहां हमारी सेकुलरिज्म जिंदा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक ही मिजाज अपना रखे, सेकुलरिज्म जिंदा रखे, और सबसे पहले तो ये NRC के जो बात ताल्लुक से हमें बता रहे हैं, हमारी सरजमीन ये है, हम लड़ेंगे भी यहीं, मिटेंगे भी यहीं और रहेंगे भी यहीं। मैं ये बोल के BJP को बताना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म जब तक इस देश में जिंदा रहेगी, इस देश
की नींव बरकरार रहेगी और हमारे संविधान की रक्षा जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सौंपा है उसकी हम हर पल रक्षा करते रहेंगे। और एक ही गुजारिश है आप सभी से कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दे और इस बारे में बताए कि लोग और जुड़े। आज जेल भरो आंदोलन है, मेरे को आने को लेट हुआ, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ लोग आके भी चले गए होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है आपको जो करना है आप बताओ पहले। सबसे पहले जो आज हमारे देश में सबसे बड़ी जरूरत है वो एनआरसी की नहीं है, एनआरयू की है। हमारे देश में बेरोजगारी दिन भर दिन बढ़ते जा रही है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का आप इंप्लीमेंट करिए, फिर आप हमें बताइए कि आप इतने काबिल तो नहीं है कि जो आप कर सकते। आप जो वादे हमें किए थे वो वादे तो आप एक भी नहीं पूरा कर सके। इसलिए एक कौम को दबा के बता के सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने का जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और जब तक सेकुलरिज्म जिंदा रहेंगी इंशा अल्लाह हम उनके आते रहेंगे और बीजेपी को जगह दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। नौजवाना ने मिल्लत सीए एनआरसी एनपीआर जैसे काले कानून के खिलाफ अपनी गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। इंकलाब आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब इंकलाब। पुलिस से दरखास्त है कि नौजवान गिरफ्तार। ये मायूसी और ये डर और खौफ के माहौल से निकलना है। जो करेगा सच्ची बात बोलेगा हमारे साथ, जो करेगा सच्ची बात बोलेगा हमारे साथ, जो हिटलर की चाल चलेगा है। ये संदेश भारत है सबका देश, लोक विकास परिषद का है ये संदेश भारत है सबका देश। आवाज दो, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। अरे वापस लो, 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 वापस लो। मोदी शाह की ये सरकार नहीं चलेगी, तुम ऊंचे है ना। संविधान जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या करेगा सबकी बात बोलेगा हमारे साथ, औरंगाबाद समाचार यूट्यूब पे देखने का, औरंगाबाद समाचार पे अच्छा। अरे यार कमाल है यार, साहब है तो तुम है ये मैडम का। हाँ हाँ साहब है तो मैडम, साहब के साथ जीना पड़ता, वजन गिरता। जिंदाबाद, 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 ज
देखा